चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 16 इनटू 10 पावर माइनस 18 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस इंटर्स अ रीजन वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी की वैल्यू दी हुई है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, डायरेक्शन जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड उसकी दी हुई 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग है। इफ द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड अच्छा ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखो यानी एक्स एक्सिस इधर हो गया, वाई एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस इधर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये सारे पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड, तो नेगेटिव जेड किधर होगा, नेगेटिव जेड इधर होगा, जेड डैश मैंने कह दिया। अब ध्यान से देखो चार्ज पार्टिकल है क्या, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव लिखा हुआ है साथ में, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, तो ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, मूविंग इन एक्स अलोंग एक्स, अगर नेगेटिव होता तो बोल देता क्वेश्चन में, ठीक है, और पॉजिटिव है तो बोल नहीं रहा, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, माइनस जेड डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मिडिल फिंगर आपके चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन बताती है, और थंब जो होता है वो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताती है वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए बताती है, तो यानी पॉजिटिव के लिए फोर्स की डायरेक्शन थंब बताएगी, तो अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर वो इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है डायरेक्शन फोर्स की, इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स की डायरेक्शन नहीं होगी, जस्ट उसके अपोजिट होगी। तो अगर पहले मैं मैग्नेटिक फोर्स को काउंट कर रहा हूँ, मतलब मेजर कर रहा हूँ कि किधर है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है वाई डायरेक्शन में, तो फोर फिंगर मैंने रखा ऊपर की तरफ, चार्ज पार्टिकल चल रहा है राइट साइड में, तो फोर्स लग रहा है मेरी तरफ, इट मीन्स जेड डायरेक्शन में, अल्टीमेटली पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, नेगेटिव के लिए जस्ट उसका अपोजिट होगा, इट मींस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, और अगर नेगेटिव जेड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे तभी तो चार्ज पार्टिकल सीधा चला जाएगा, कंटिन्यूस टू मूव बोल रहा है ना क्वेश्चन में एक्स एक्सिस, इसका मतलब है इन दोनों फोर्सेस की वजह से कोई मोशन में चेंजेस नहीं आ रहे, ना डायरेक्शन बदल रहा है ना कुछ भी नहीं हो रहा, यानी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो, तो एफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है क्यू इन टू ई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि ठीक है चार्ज पार्टिकल मूव करा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अच्छा क्यू से क्यू कटा वी इज इक्वल टू ई बाई बी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू ई बाई वी होगा, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 10^4 दिया ना, 10^4 वेलोसिटी की वैल्यू चार्ज पार्टिकल के मोशन की जो वैल्यू है कितनी हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आएगा 10^3 आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखो ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।